फ्रेंड्स आज हम पढ़ रहे हैं 30.2 जिसका पार्ट नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। पार्ट नंबर 3 में हमें क्या फाइंड करना है, आर फाइंड करना है। आर मींस रेडियस और इसमें गिवन क्या है, एंगल थीटा गिवन है और लेंथ एल भी गिवन है। रिमेंबर दैट मैं आपको प्रीवियस लेक्चर में बता चुका हूँ, वंस अगेन आपको बता देता हूँ कि रेडियस का फॉर्मूला है लेंथ डिवाइडेड बाय एंगल यानी थीटा। और इसके अलावा एक बात याद रखना कि थीटा हमेशा रेडियन में होना चाहिए। अगर ये डिग्री में है तो इसे हम कन्वर्ट करेंगे रेडियन में, अगर थीटा डिग्री में है तो डिग्री को हम कन्वर्ट करेंगे रेडियन में। और रेडियन में कन्वर्ट करने का फार्मूला है पाई बाय 180 से इसे मल्टीप्लाई करेंगे। तो इस सवाल में देखें थीटा गिवन है डिग्री में, थीटा की वैल्यू है 60 डिग्री और लेंथ यहाँ पर 2 सेंटीमीटर है। तो आर फाइंड करना है, एल की जगह पर रखेंगे 2 सेंटीमीटर और थीटा की जगह पर रखेंगे 60 डिग्री। अब डिग्री को हम कन्वर्ट करेंगे किस में, रेडियन में। रेडियन का फॉर्मूला है कि डिग्री को मल्टीप्लाई करें पाई बाय 180 से। तो हम यहाँ पर डिग्री को मल्टीप्लाई करेंगे पाई मल्टीप्लाई 1/80 से। अब जीरो से जीरो कैंसिल होगा, 6 की डबल में 80 आता है 3 टाइम, तो बाकी यहाँ पर बचेगा आर बराबर 2 सेंटीमीटर अपान में पाई अपान 3। जब पाई अपान 3 को हम रेसिप्रोकल करेंगे तो ये बनेगा 3/पाई। और इस पाई की जगह पर पाई की वैल्यू रखेंगे, पाई की वैल्यू है 3.142। अब पहले 2 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद उसको हम 3.142 से डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने के बाद जो रिजल्ट मिलेगा दैट इज कॉल्ड रेडियस। यहाँ पर हम क्या करते हैं, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करें 6 होगा और अपान में 3.142 सेम रहेगा और सेंटीमीटर भी सेम रहेगा। अब 6 को हम डिवाइड करें 3.12 से तो यहाँ पर आर की वैल्यू होगी 1.909 सेंटीमीटर। ये आंसर हो सकता है और मज़ीद इसको अगर आप देखेंगे बुक में तो इसका आंसर हो भी, मे भी इसको राउंड ऑफ करें तो 1.91 सेंटीमीटर हो, यह है इसका आंसर। इसी पार्ट का दूसरा सवाल है, थीटा बराबर है 3.5 रेडियंस एंड एल बराबर है 7/4 मीटर्स और हमें क्या फाइंड करना है, आर फाइंड करना है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले लिखेंगे सॉल्यूशन और डेटा यहाँ पर बनाएंगे। डेटा में क्या गिवन है, थीटा गिवन है 3.5 रेडियंस और लेंथ एल गिवन है 7/4 मीटर्स और हमें क्या मालूम करना है, आर यानी रेडियस की वैल्यू मालूम करनी है। जबकि रेडियस का फॉर्मूला है एल डिवाइडेड बाय थीटा, ऐसे लिखें या एल अपान थीटा ऐसे लिखें, बोथ आर सेम। तो हम कोई भी एक फॉर्मूला अप्लाई करते हैं तो एल की जगह पर एल की वैल्यू लिखेंगे 7/4 मीटर और डिवाइड की साइन सेम, थीटा की जगह पर रखेंगे 3.5। सबसे पहला काम हम पॉइंट को हटाकर इसे कॉमन फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे आर बराबर 7/4 मीटर्स डिवाइड की साइन सेम। पॉइंट को जब हटा देंगे तो पूरी वैल्यू को न्यूमरेटर बनाएंगे और पॉइंट बराबर 1 के पॉइंट के बाद जितने डिजिट्स होंगे उतने ज़ीरो यहाँ पर आएंगे। उसके बाद डिवाइड का रूल है कि डिवाइड की साइन तब्दील होगी मल्टीप्लाई में और दूसरी वैल्यू रेसिप्रोकल, नीचे वाला नंबर ऊपर, ऊपर वाला नंबर नीचे आएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे। 7 की डबल में 7 आता है 1 टाइम और 35 आता है 5 टाइम, 5 की डबल में 10 आता है 2 टाइम और 2 की डबल में 4 2 टाइम। तो यहाँ पर बचेगा 1/ ऊपर 1 बचा है और नीचे 2 और मीटर। 1/2 फ्रैक्शन में है, कॉमन फ्रैक्शन है, इसे हम डेसिमल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए इसे डिवाइड करेंगे या सिंपली भी 1/2 का मतलब है 0.5 मीटर। यह है आर रेडियस की वैल्यू। इसी पार्ट का तीसरा सवाल है, थीटा बराबर 1/4 रेडियंस एंड एल बराबर है 4 सेंटीमीटर के। हमें रेडियस आर की वैल्यू मालूम करनी है जिसके लिए लिखेंगे एल डिवाइडेड बाय थीटा। एल की जगह पर क्या रखेंगे 4 सेंटीमीटर और डिवाइड की साइन सेम रहेगी, थीटा की जगह पर रखेंगे 1/4 रेडियंस। डिवाइड की साइन तब्दील होगी मल्टीप्लाई में और दूसरी वैल्यू रेसिप्रोकल, मींस नीचे वाला ऊपर चला जाएगा, ऊपर वाला नीचे।
अब ऊपर वाले को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करें, यानी 4 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो 16 सेंटीमीटर होगा। यह है रेडियस आर की वैल्यू। इसी पार्ट का चौथा सवाल है, थीटा बराबर है 180 डिग्री एंड लेंथ बराबर है 15.4 सेंटीमीटर। हमें आर की वैल्यू फाइंड करनी है। आर का फॉर्मूला है एल डिवाइडेड बाय थीटा। एल की जगह पर रखेंगे 15.4 सेंटीमीटर, डिवाइड की साइन, और 180 डिग्री थीटा की जगह पर। रिमेंबर दैट डिग्री को हम हमेशा कन्वर्ट करेंगे रेडियन में। रेडियन में कन्वर्ट करने का फॉर्मूला है कैसे, मल्टीप्लाई करेंगे पाई अपॉन 180 से। या तो आप इसको मल्टीप्लाई करें, वैसे सिंपली भी 180 जो है डिग्री पाई की है, पाई डिग्री, पाई बराबर है 180 डिग्री। 180 से कैंसिल होगा, बाकी बचेगा पाई 15.4 डिवाइडेड बाय पाई। और इस पाई की जगह पर हम पाई की वैल्यू रखेंगे 3.142। अब 15.4 को हम डिवाइड करेंगे 3.142 से। कैलकुलेटर के जरिए आप इसको डिवाइड कर सकते हैं। डिवाइड करने के बाद हमें आंसर जो मिलेगा, 15.4 को 3.142 से डिवाइड करें तो आर बराबर में 4.90 सेंटीमीटर। यह है आर रेडियस की वैल्यू। एक्सरसाइज 30.2 जिसका पार्ट नंबर 4 है, फाइंड द आर्क लेंथ ऑफ अ यूनिट सर्किल करस्पॉन्डिंग टू द सेंट्रल एंगल मेयरिंग। नीचे एंगल की मेयरमेंट गिवन है, 30 डिग्री है, किसी की 45 डिग्री है, किसी की 60 है, तो किसी की 90 डिग्री है। इसका पहला सवाल है जिसमें एंगल गिवन है 30 डिग्री। अब यहाँ पर हमें क्या फाइंड करना है, आर्क लेंथ। आर्क लेंथ का मतलब क्या है, एल की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। और इसमें ये सर्किल जो है वो कौन सा सर्किल है, यूनिट सर्किल। रिमेंबर दैट यूनिट सर्किल में रेडियस आर की वैल्यू 1 होगी, यानी जहां आर होगा उस आर की जगह पर हम क्या रखेंगे, 1 रखेंगे। और थीटा यहां पर गिवन है 30 डिग्री। हमें लेंथ मालूम करनी है, लेंथ का फॉर्मूला है आर मल्टीप्लाई थीटा। आर की जगह पर 1 रखेंगे और थीटा की जगह पर 30 डिग्री रखेंगे। लेंथ सेंटीमीटर में हो सकती है, मीटर में, बट डिग्री में नहीं। तो हम डिग्री को कन्वर्ट करेंगे रेडियन में। डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने का फॉर्मूला है कि डिग्री को मल्टीप्लाई करेंगे पाई बाय 180 से। 0 से 0 कैंसिल होगा, 3 के डबल में 18 आता है 6 टाइम, बाकी ऊपर बचा है पाई। पाई की वैल्यू है 3.142 और यहाँ पर लेंथ जो गिवन, सॉरी अपान में क्या है, 6 है। अब 3.142 को हम 6 से डिवाइड करेंगे कैलकुलेटर के जरिए। 3.142 को 6 से डिवाइड करेंगे तो ये बराबर होगा 0.52 सेंटीमीटर। ये है लेंथ एल की वैल्यू। इसी पार्ट का दूसरा सवाल है 45 डिग्री, तो आर बराबर है 1 के, क्योंकि यूनिट सर्किल की बात हुई है, और थीटा इसमें गिवन है 45 डिग्री। और हमें क्या मालूम करना है, एल जिसका फॉर्मूला है आर मल्टीप्लाई थीटा। आर की जगह पर 1 और थीटा की जगह पर 45 डिग्री। अब इस डिग्री को हम कन्वर्ट करेंगे रेडियन में। रेडियन में कन्वर्ट करने का फॉर्मूला है पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई करें। 45 की डबल में 180 आता है 4 टाइम, तो यहाँ पर लेंथ बराबर में पाई अपॉन 4 होगा। पाई की जगह पर हम पाई की वैल्यू रखेंगे। पाई की वैल्यू है 3.142 और इसे डिवाइड करेंगे 4 से। आप इसे मैन्युअली भी डिवाइड कर सकते हैं, कैलकुलेटर के जरिए भी डिवाइड कर सकते हैं। कैलकुलेटर से इसे डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर आएगा 0.785 सेंटीमीटर। ये है लेंथ की वैल्यू। इसी पार्ट का तीसरा सवाल है 60 डिग्री, तो यहाँ पर हम मेंशन करेंगे कि थीटा बराबर है 60 डिग्री के और आर बराबर है 1 के, क्योंकि यूनिट सर्किल की बात हो, यूनिट सर्किल में आर किसके बराबर होगा, 1 के। और लेंथ में मालूम करनी है, लेंथ का फॉर्मूला है आर मल्टीप्लाई थीटा। आर की जगह पर 1 रखेंगे और थीटा की जगह पर हम 60 डिग्री रखेंगे। और डिग्री को हम कन्वर्ट करेंगे रेडियन में। रेडियन में कन्वर्ट करने का फॉर्मूला है के डिग्री को पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई करें। 0 से 0 कैंसिल होगा और 6 की डबल में 80 आता है 3 टाइम,
और पाई की जगह पर हम पाई की वैल्यू रखेंगे 3.142 अपान में 3 सेम रहेगा। अब 3.142 को 3 से जब डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर आएगा 1.047 सेंटीमीटर। यह है इसका आंसर। इसी पार्ट का आखिरी सवाल, चौथा सवाल, जिसमें थीटा बराबर है 90 डिग्री के, तो हम यहाँ पर लिखेंगे आर बराबर है 1 के और थीटा बराबर है 90 डिग्री और हमें एल की वैल्यू मालूम करनी है, जिसके लिए हम क्या करेंगे, आर और थीटा को मल्टीप्लाई करेंगे। 90 डिग्री की जगह पर 90 डिग्री को मल्टीप्लाई करेंगे पाई अपॉन 180 से, 0 से कैंसिल होगा, 9 की डबल में 18 आता है 2 टाइम, एल बराबर पाई अपॉन 2। अब पाई की जगह पर पाई की वैल्यू रखेंगे 3.142 और इसे डिवाइड करेंगे किससे, 2 से। जब इसे हम 2 से डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर हमें मिलेगा 1.571 सेंटीमीटर। यह है एल यानी लेंथ की वैल्यू। इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5 है, इसमें कह रहा है कि द एरिया ऑफ अ सर्किल सबटेंड्स एन एंगल ऑफ पाई बाय 6 रेडियंस एट द सेंटर, द रेडियस ऑफ अ सर्किल इज 5 सेंटीमीटर, फाइंड, क्या फाइंड करना है, लेंथ ऑफ एन आर्क। पहला सवाल है कि हमें लेंथ मालूम करनी है। अब इस सवाल में क्या गिवन है, एंगल ऑफ एंगल यानी थीटा गिवन है पाई अपॉन 6 रेडियन, और इसमें रेडियस भी गिवन है, रेडियस ऑफ अ सर्किल, रेडियस इसमें आर गिवन है 5 सेंटीमीटर, हमें लेंथ मालूम करनी है जिसका फॉर्मूला है आर मल्टीप्लाई थीटा। अब आर की जगह पर आर की वैल्यू रखेंगे 5 सेंटीमीटर और थीटा की जगह पर रखेंगे पाई अपॉन 6, पाई की जगह पर पाई की वैल्यू रखेंगे, पाई की वैल्यू है 3.142 और इसे डिवाइड करेंगे 6 से। पहले 5 को 3.142 से मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद जो आंसर आएगा उसे हम डिवाइड करेंगे 6 से। तो मल्टीप्लाई करते हैं, 5 टू द 10, 1 ऊपर चला जाएगा, 4 फाइव द 20, 20 में 1 प्लस करें 21, 5 वन द 5, 5 में 2 प्लस करें 7 पॉइंट, और 5 थ्री द कितने होंगे 15 अपान में 6। अब 15.710 को हम डिवाइड करें 6 से, 6 की डबल में 15 आता है 2 टाइम, 12 होंगे, 12 में 15 में से 12 गए 3, इसको देंगे 37 होंगे, 37 पर 6 की डबल 6 टाइम, बाकी बचेगा 1, इसको दें 11 और इस पर 1 टाइम 6 होंगे, बाकी बचेंगे 5 और 8 टाइम, यानी लेंथ की वैल्यू होगी 2.618 सेंटीमीटर। ये है एल आर्क लेंथ की वैल्यू। इसी एक्सरसाइज, इसी पार्ट का दूसरा सवाल है एरिया ऑफ अ सर्क्यूलर सेक्टर। अब सबसे पहले हमें एरिया ऑफ सर्क्यूलर सेक्टर का फार्मूला याद होना चाहिए। एरिया ऑफ सर्क्यूलर सेक्टर का फार्मूला है एरिया ऑफ सर्क्यूलर सेक्टर, जिसका फार्मूला है 1/2 RL। अब एरिया बराबर में 1 सेम रहेगा, अपान में 2 सेम रहेगा, आर की जगह पर आर की वैल्यू रखेंगे 5 सेंटीमीटर और एल की जगह पर हम एल की वैल्यू रखेंगे जो हमने फाइंड की हुई है। अगर ये एल की वैल्यू हम फाइंड नहीं करते तो पहले हमें एल की वैल्यू फाइंड करनी पड़ती है। तो यहाँ पर एल की वैल्यू हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं, तो डायरेक्ट हम एल की जगह पर एल की वैल्यू रखेंगे और इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे यानी सिंप्लीफाई करेंगे। अब 2 की टेबल में 2 आता है 1 टाइम, 0.6 आता है 3 टाइम, 0 9 टाइम, बाकी बचा है 5 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 1.309 सेंटीमीटर। इसको मजीद सिंप्लीफाई करने के लिए मल्टीप्लाई करेंगे तो एरिया बराबर में 5 नाइन्स द 45 और 3 फाइव द 15, 5 वन द 5, 5 और 1 कितने होंगे 6, cm को cm से मल्टीप्लाई करें cm स्क्वायर होगा, एरिया हमेशा स्क्वायर में होगा। ये है एरिया ऑफ सर्कुलर सेक्टर।